हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो कर्ल वी का जो मान होता है वो कितना 3 ओमेगा माइनस ओमेगा के इक्वल आता है। तो कर्ल वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ल वी की वैल्यू होगी कितनी, 3 ओमेगा माइनस ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा, है ना। जहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, ये 2 जो है वो कर्ल वी के बटे में लेकर आ सकते, तो कितना हो जाएगा 1/2 कर्ल वी के रूप में आएगा, है ना। अब यहाँ पर जो ये जो ओमेगा जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कर्ल वी के मान को प्रदर्शित कर रहा है ना। या कर्ल वी जो है ना, कर्ल वी जो है वो क्या, वेग के घूर्णन का कोणीय वेग ओमेगा क्या करता है, व्यक्त करता है। मतलब कर्ल वी जो है वो किसी सदिश राशि के घूर्णन स्थिति को प्रदर्शित करता है ना। मतलब यदि कोई भी सदिश राशि है जो कि घूर्णन क्षेत्र में काम कर रही है, जैसे वेग, वेग यदि बहुत ज़्यादा घूर्णन गति के रूप में हो रहा है, एक चक्रीय रूप में हो रहा है, तो वहाँ पर उस वेग को हम क्या बोलेंगे, कर्ल वी के रूप में मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो अब यदि क्या है, यदि वेक्टर ए के कर्ल या कर्ल ए या डेल क्रॉस वेक्टर ए का मान सभी जगह क्या है, 0 है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि सदिश ए जो होगा वो किसी अधिश क्षेत्र का ग्रेडियंट होगा। मतलब हम सदिश ए को क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई लिख सकते हैं। ये कोई अधिश क्षेत्र है फाई, उसका ग्रेडियंट लिख सकते हैं। तब ऐसे सदिश वेक्टर ए को क्या कहते हैं, हम अघूर्णी सदिश कहते हैं, है ना। मतलब यदि कोई सदिश है जिसका ग्रेडियंट है ना, या कोई एक सदिश है जो कि किसी अदिश राशि के ग्रेडियंट के बराबर है, जैसे एक उदाहरण लिख सकते हैं हम क्या, ई जो विद्युत क्षेत्र है वो ग्रेडियंट है किसका, माइनस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किसका है, वी का है, विभव का ऋणात्मक ग्रेडियंट है विद्युत क्षेत्र, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा, अघूर्णी सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अघूर्णी सदिश कहलाएगा। इसको हम लेमिनार सदिश भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लेमिनार सदिश भी कहते हैं, है ना, लेमिनार सदिश, ठीक है। और अघूर्णी सदिश मतलब जो रोटेशन नहीं करता, तो इसको हम इरोटेशनल वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इरोटेशनल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, वेक्टर ए को हमने ग्रेडियंट फाई के रूप में लिख लिया, जो कि सदिश जो है वो किसी अदिश फलन फाई का क्या है, ग्रेडियंट है। तो हम कर्ल ए को कैसे लिखेंगे, ठीक है। कर्ल ए क्या हो जाएगा, ए की जगह हम रखेंगे क्या, ग्रेडियंट फाई रखेंगे। तो कर्ल ए बराबर कितना हो जाएगा, कर्ल, कर्ल मतलब ये किसका कर्ल है, ग्रेडियंट फाई का कर्ल है, तो ये ग्रेडियंट फाई मतलब डेल फाई लिख लिया, है ना। और उसके साथ उसका कर्ल है, तो कर्लों को अपन क्या क्रॉस गुना से रिप्रेजेंट करते हैं डेल के साथ में, इसलिए इसको क्या लिखा है, डेल क्रॉस डेल डॉट कितना फाई के रूप में लिखा है, ठीक है, मतलब ये रूप में लिखा है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कर्ल ए को आई जे के रूप में, फिर डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, और डेल अपॉन में कितना डेल जेड, है ना, ये डेल की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और डेल फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल के साथ में कौन सा घटक काम कर रहा है, फाई का घटक काम कर रहा है, इसलिए डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, डेल फाई अपॉन में डेल वाई, और डेल फाई अपॉन में कितना डेल जेड के रूप में, ओके क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आई को लेंगे, किसको ले रहे हैं, या आई को ले रहे हैं ऐसा, है ना। तो इधर का कट जा, इस साइड का कट हो जाएगा, इस साइड का कट हो जाएगा, कितना बचेगा, इसके साथ में गुना होगा, तो डेल स्क्वायर फाई डेल वाई इंटू कितना आ जाएगा, डेल जेड आ जाएगा। देखो आई को लेंगे अपन कितना, डेल स्क्वायर फाई अपॉन में कितना डेल वाई इंटू कितना डेल जेड, फिर माइनस करके क्या आ जाएगा, ये इसका इसके साथ में गुना होगा, तो कितना डेल स्क्वायर फाई डेल वाई इंटू कितना डेल जेड, ये लिख लिया हमने, ये वाला मान निकाल, डेल स्क्वायर फाई अपॉन में कितना डेल वाई इंटू कितना डेल जेड, है ना। ये तो हो गया किसके लिए, आई के लिए हो गया। अब जे के लिए करेंगे तो जे के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर
ये और ये माइनस होगा, है ना, इसको काटेंगे तो किसके साथ में गुना होगा, यदि प्लस के रूप में लिया है तो ये उल्टा गुना होगा। तो डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स इंटू कितना हो जाएगा डेल जेड, या डेल जेड इंटू कितना डेल एक्स, माइनस कितना हो जाएगा अब इसके साथ में इसका होगा डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स इंटू कितना डेल जेड, ये लिख लिया। फिर क्या करेंगे, के को निकालेंगे, ये के और ये के, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इसके साथ इसका गुणा, तो डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स इंटू कितना डेल वाई, माइनस कितना हो जाएगा अब इसके साथ इसका गुना करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स इंटू कितना हो जाएगा डेल वाई इंटू कितना डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये डेल वाई देखो, यहाँ पर ये कितना डेल वाई इंटू डेल जेड, ये डेल जेड इंटू डेल वाई एक है और ऊपर का भी एक है, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, डेल जेड इंटू डेल एक्स है, इधर डेल एक्स इंटू डेल जेड है, बाकी वो एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, गुना कर रहा है। तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, है ना, तो जीरो सदिश आ जाएगा, तो जीरो सदिश का परिमाण कितना होगा जीरो। तो कर्ल ए की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, कर्ल ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी। और जब कोई सदिश ये वेक्टर ए जो है वो कौन सा सदिश है, अघूर्णी सदिश है ना, कौन सा सदिश है अघूर्णी सदिश है, तो ये वेक्टर ए को यदि अपन अघूर्णी सदिश मानेंगे तो अघूर्णी सदिश के लिए कर्ल ए का मान कितना होगा जीरो होगा, है ना। तो ऐसे अघूर्णी क्षेत्र के लिए बंद सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा शून्य होगा, ठीक है, क्योंकि कर्ल ए का मान ही शून्य है। तो कर्ल ए को अपन ने क्या लिखा था, कर्ल ए जो है वो इस बंद परिसीमा डी एस के लिए उसका कौन सा, उसका रेखीय समाकलन ए इंटू डी एल, ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा शून्य होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि कर्ल ए की वैल्यू कितनी है डेल क्रॉस ए की वैल्यू कितनी है शून्य है, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बंद परिसीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन क्या होता है शून्य होता है, ठीक है। इसका उदाहरण कौन सा है, यदि स्थित विद्युत क्षेत्र क्या, यदि स्थित विद्युत क्षेत्र ऐसा ही क्या है एक अघूर्णी क्षेत्र है तथा इसे स्केलर विभव वी क्षेत्र के ऋणात्मक ग्रेडियंट द्वारा क्या किया जाता है व्यक्त किया जाता है, तो वेक्टर ई क्या कहलाएगा, उसका वेक्टर ई का जो कर्ल होगा वो जीरो हो जाएगा, वेक्टर ई का जो कर्ल है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक। इसलिए अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक संरक्षित बल क्षेत्र है ना, तो संरक्षित बल क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच रेखीय समाकलन जो होता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच मार्ग पर निर्भर नहीं करता है ना, वो किस पर निर्भर करता है, बल्कि उन दोनों बिंदुओं के बीच या स्थिति पर निर्भर करता है, या स्थिति निर्देशांकों पर क्या करता है, उन दोनों बिंदुओं की स्थिति निर्देशांकों पर निर्भर करता है ना। ये इस टाइप से संरक्षित बल क्षेत्र पढ़ेंगे अपन सेकंड यूनिट में, कि इसको ए से कहाँ तक के बी तक के लेकर जाना है, तो ये भी मार्ग होगा पी ए पी बी, और ये कौन सा मार्ग होगा ए क्यू बी। तो दोनों बिंदु तक ले जाने में क्या क्या कार्य कैसा रहता है, समान रहता है ना, मतलब इसके किस मार्ग से लेकर जा रहे हैं इस पर निर्भर नहीं करेगा कि पहली स्थिति कहाँ पर है और ये दूसरी स्थिति कहाँ पर है, तो इसका निर्देशांक क्या है उस बात पर डिपेंड करेगा। तो ये क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, संरक्षित बल क्षेत्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा संरक्षित बल क्षेत्र। इसलिए संरक्षित बल क्षेत्र के अंतर्गत क्या होगा, बंद पृष्ठ के अनुदिश रेखीय समाकलन उसके लिए क्या होगा शून्य होता है ना, मतलब किया गया कार्य क्या होता है एक तरीके से नियत होता है। तो संरक्षित बल क्षेत्र के कर्ल का मान क्या होता है शून्य होता है ना, मतलब यहाँ पर यदि बल लिखा है तो यदि सदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है बल के रूप में है, तो इसका जो कर्ल होगा वो कितना होगा शून्य होगा, ठीक है, कर्ल एफ बराबर कितना होगा शून्य होगा, किसके लिए संरक्षित बल क्षेत्र के लिए, यदि बल कौन सा है वेक्टर एफ है तो, ठीक है। तो इसलिए हम संरक्षित बल क्षेत्र को क्या कहेंगे, अघूर्णी क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि उसके कर्ल का मान कितना है शून्य है। तो संरक्षित बल क्षेत्र कौन कौन से हैं, संरक्षित बल क्षेत्र जैसे स्थित विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र है ना, किसी अदिश क्षेत्र के ऋणात्मक ग्रेडियंट द्वारा क्या किया जाता है
प्रदर्शित किया जाता है। जैसे विद्युत क्षेत्र को यदि हम प्रदर्शित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, विद्युत क्षेत्र जो होता है ऋणात्मक क्या होता है ग्रेडियंट वी का क्या होता है मान होता है, विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक विभव प्रवणता की दर को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही गुरुत्वीय क्षेत्र है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र को अपन एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी क्या हो जाएगा ऋणात्मक ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, विभव को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पर ये गुरुत्वीय विभव है ना। ठीक है, क्लियर, ये गुरुत्वीय विभव है, ये विद्युत विभव है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संरक्षित बल क्षेत्र ये दोनों क्षेत्र कैसे रहेंगे, विद्युत क्षेत्र भी और गुरुत्वीय क्षेत्र भी, ये दोनों एक अदिश राशि विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर आता है, तो इस क्षेत्र इनको हम क्या कहेंगे, इनका जो कर्ल होगा वो क्या रहेगा शून्य रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट क्या लिखा है, घूर्णी क्षेत्र के लिए जो घूर्णन करेगा उसके लिए कर्ल का मान कुछ ना कुछ होगा, वो जीरो नहीं होगा, और अघूर्णी क्षेत्र के लिए क्या होगा जो घूर्णन नहीं करेगा उसके लिए कर्ल ए का मान क्या हो जाएगा, उस सदिश कर्ल ए का मान कितना हो जाएगा जीरो होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे लैमेलार क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर्ल ए के फिजिकल सिग्निफिकेंस को या भौतिक महत्व को हम क्या कर सकते हैं यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक यू।